आज बात करेंगे अभी स्पॉट वेल्डिंग की और सीम वेल्डिंग की। स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे वर्किंग करती है। सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट समझते हैं। हमारे पास कोई भी मेटल प्लेट्स होंगी दो जो हमको वेल्ड करनी है। ये दोनों हमारी ओवरलैपिंग के अंदर होंगी जिनको हमें वेल्ड करना है स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू। इनके दोनों तरफ हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास कॉपर के बने होते हैं क्योंकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास कर सकती है। एक ये इलेक्ट्रोड और एक ये इलेक्ट्रोड दोनों हमारे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड आगे कनेक्ट होते हैं हमारे एसी पावर सप्लाई के साथ। एसी पावर सप्लाई इनको सप्लाई देती है। यहाँ से सप्लाई आती है। इन दोनों में से सप्लाई जब गुजरती है तो कॉपर अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो उसको इजीली पास होने देता है। इसी तरह से नीचे से इलेक्ट्रिसिटी आती है और वो दोनों लेयर्स जाने के बाद यहाँ बिल्कुल बीच में इन दोनों प्लेट्स के बीच में टकराती है। यहाँ पर इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वहाँ पर फ्यूज़न हो जाता है और फ्यूज़न के कारण एक स्पॉट वेल्डिंग स्पॉट बन जाता है। ये दोनों मेटल आपस के अंदर चिपक जाते हैं तो इसकी हम मूवमेंट देख सकते हैं। इस तरह से प्लेट्स इसके अंदर से पास होती रहती हैं और उसके बाद इनके अंदर स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं जो वेल्डिंग स्पॉट होते हैं। जगह जगह पे हम प्लेट्स को आगे करते रहेंगे और ये वेल्डिंग बीच में होती रहेगी। तो ये तो है हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग। इसी तरह से हम सीम वेल्डिंग को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल सेम है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग के अंदर सिर्फ क्या होगा, हमारे पास जो प्लेट्स होंगी उसी तरह से ओवरलैप करेंगी, उनकी कनेक्टिविटी एसी पावर सप्लाई से होगी। बस सिर्फ फ़र्क क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगे वो एक रोलर की शेप में होंगे दोनों इलेक्ट्रोड। लेकिन होंगे ये दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के ही होंगे क्योंकि कॉपर क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये होंगे दोनों कॉपर के ही। तो इसकी मूवमेंट हम देख सकते हैं, ये दोनों रोटेट करेंगे। ये इस तरफ रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये मेटल्स की प्लेट आगे जाएंगी, इनकी मूवमेंट को हम देख सकते हैं इस तरह से आगे जाएंगी और इनके अंदर एक तरह की सीम प्रोड्यूस हो जाएगी। जिस तरह से सीम मतलब जिस तरह से सिलाई मशीन सिलाई करती है उस तरह से इसके अंदर एक तरह की सीम प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम देख सकते हैं। इस तरह से सीम इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, इसको बोलते हैं सीम। तो ये हो गई हमारी सीम वेल्डिंग। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जो करंट के रेजिस्टेंस के कारण फ्यूज़न के कारण प्रोड्यूस होती हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। तो इसीलिए इसको हम रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग और रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। थैंक यू।